राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। यूपी में कावड़ रूट पर नाम लिखने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक जारी रहेगी। कोर्ट ने शुक्रवार को यूपी सरकार के जवाब दाखिल करने के बाद ये आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को भी अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, केंद्रीय कानून के मुताबिक यह आदेश दिया गया है। कोर्ट बोला, सभी जगह लागू करिए। फिर वकील ने कहा, कावड़ सिर्फ 3 राज्यों से गुजरते हैं, यह सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं है, केंद्रीय कानून में दी गई व्यवस्था के मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, जबकि कानून में यह व्यवस्था दी गई है कि राज्य इसे लागू कर सकते हैं। मुकुल रोहतगी ने कहा, एक कावेड़ी ने याचिका दाखिल करके कहा कि राज्य का आदेश उचित है, खाना क्या है ये पता होना चाहिए। मुजफ्फरनगर पुलिस की तरफ से यह निर्देश बाध्यकारी तौर पर नहीं लागू किया गया। यूपी सरकार ने कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में कहा, कावड़ यात्रा के दौरान खाने पीने के सामान से भ्रम होता है, खासकर प्याज लहसुन के इस्तेमाल को लेकर झगड़ा होता था। कावड़ियों ने कई बार इसकी शिकायत की, इसके आधार पर आदेश दिया गया। इसके पीछे मकसद इतना था कि कावड़ियों को पता चल सके कि वो कौन सा भोजन खा रहे हैं, ताकि उनकी धार्मिक भावनाएं आहत न हो और यात्रा शांतिपूर्ण संपन्न हो। आदेश धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है, यह सबके लिए है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।